हेलो एवरीवन पूनम सुकरी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी जो कि द वीट कैरेट केक का और मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको बना दिया रबड़ी कैरेट केक वैसे ना ये आइडिया ना बहुत मस्त था और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके जाते हो थोड़ा सा मैं अगर अपना दिमाग लगा दूँ तो माइंड ब्लो ऑफ करने वाला रेसिपी बन जाता है न्यू ईयर आने वाला है ना तो इस केक रेसिपी को ट्राई कर लेना यार बहुत मस्त बनेगा लिटरली टेक्सचर टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है ठंड में अभी बहुत अच्छे अच्छे गाजर मिल रहे हैं मार्केट में तो ये रेसिपी ट्राई करना बिल्कुल बनता है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाना कोई सजेशन हो तो कॉमेंट करके बताना चलो जल्दी से केक को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एक गाजर और इसको ना अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से आधा कप गाजर हमें ग्रेट करना है ये काम ना मम्मी ने बोला कि तुम मुझे करने दे वरना तेरे हाथ में दर्द होने लगेगा तो आधा कप गाजर ग्रेट करके साइड में रख दिया मम्मी ने इसके बाद यहाँ पर एक बोल ले लेना और केक का बैटर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वन फोर्थ कप डाल देंगे इसमें शुगर आप चाहो तो शुगर की जगह पे शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद वन फोर्थ कप डाल देंगे इसमें दूध और आप ना दोनों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे ज़्यादा नहीं एक मिनट के अंदर ही ये घुल जाएगा अच्छे से अगर आप शुगर पाउडर का यूज़ करोगे तो फिर और भी इजिली हो जाएगा जब चीनी अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे दो चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल जिसमें कोई शार्प स्मेल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर इसको डाल दो और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सिनेमन पाउडर यानी कि ये दालचीनी का पाउडर अभी चाहो तो आप इसको घर पर निकाल सकते हो बट बाहर में ना पैकेट वाला मिलता है बहुत ही ईजिली तो इसको मैंने ले लिया है और वन फोर टी इसमें ऐड कर देंगे बस अब ना इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे यार पता है दालचीनी का पाउडर डालने से ना इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और इस तरह के स्पाइसेस मिक्स के साथ अगर आप केक को बनाओगे ना तो उसका फ्लेवर ही बिल्कुल डिफरेंट रहेगा सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे हाफ कप आटा आप चाहो ना तो इस रेसिपी को मैदा के साथ भी बना सकते हो बट यहाँ पर आटा से ये हेल्दी हो जाएगा थोड़ा सा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और वन फोर टी बेकिंग सोडा फिर इसमें एक पिंच हम लोग नमक डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे छानने के बाद अब हम लोग को ड्राई और वेट मिक्स को एक साथ मिक्स करते जाना है ठीक है ना तो यहाँ पर आप चाहो तो विस्कर का यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ स्पैचुला का ही यूज़ कर रही हूँ वैसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट वगैरह का लिंक चाहिए होता है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी दे कर रखती हूँ तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो एक बार यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह का बैटर बनाना है हल्का सा थिक कंसिस्टेंसी का इसके बाद जो गाजर ग्रेट करके रखा है ना वो हाफ़ कप इसमें ऐड कर देंगे गाजर की क्वांटिटी ना कम ज़्यादा कर सकते हो कोई भी इश्यूज़ नहीं है बट ज़्यादा मत करना यार थोड़ा सा कम रखना क्योंकि हाफ कप ना एकदम सही क्वान्टिटी है कम करोगे तो चलेगा ज़्यादा मत करना ठीक है सबको अच्छे से मिक्स कर देना और देखो यार बैटर कितना अच्छा दिख रहा है तो बस यहाँ पर हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना अभी पता है हम लोग इसमें डाल देंगे एट लास्ट आधा चम्मच जितना विनेगर विनेगर नहीं है ना तो नींबू का रस भी डाल सकते हो यार मेरे पास तो विनेगर था बट बहुत लोग कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियोस में कि विनेगर नहीं है तो क्या करें तो देख लो यार नींबू का रस भी इस तरह से डालकर मिक्स कर सकते हो एकदम परफेक्ट बैटर बनेगा बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अब ना यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं तो यहाँ पर ना मैंने एक पतीले में पानी रख दिया है नीचे में कटोरी और स्टैंड इस तरह से रख देंगे और इसको ढक देंगे पानी को ना उबलने तक हम लोग इसको हल्का सा गर्म करेंगे और तब तक ना यहाँ पर देखो आज इस मोल्ड में मैं केक को बेक करने वाली हूँ एक्चुअली में आज हम लोग केक को स्टीम करने वाले हैं बेक नहीं करेंगे आप चाहो तो बेक भी कर सकते हो मैंने ना केक को अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल से बटर पेपर भी ऊपर में लगा कर ग्रीसिंग किया है इसके बाद अपने बैटर को ऐड किया है और अच्छे से फैला लिया फिर एक से दो बार टैप कर दिया है और बस अपना अपना पानी जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है स्टाइप हमारा पतीला में इसको रखना तो यहाँ पर देखो मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कैमरे का फोकस क्या है हाँ जब मैं कंफर्म हो गई तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो यहाँ पर ना इसको मैंने ओपन किया पानी ना काफ़ी अच्छा गर्म हो गया तो आज हम लोग ना केक को स्टीम से बना रहे हैं आप चाहो तो बेक कर सकते हो कोई भी इशूज़ नहीं है बेकिंग का टाइम सब कुछ आपको स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी आप वहाँ से चेकआउट कर लेना अभी ना यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि मैं करूँगी मैं करूँगी इस काम को और मम्मी ने बोला ठीक है तू कर ले और इसके बाद ना मैं पता है यहाँ पर भूल गई थी इसमें एल्यूमिनियम फॉइल भी ऊपर से लगाना था और काफ़ी गर्म था और मैं इस टाइम पर कुछ नहीं कर पाई तो मम्मी ने कहा कि तू हट अब मैं करती हूँ तो फिर यहाँ पर मम्मी ने करना शुरू कर दिया ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया आप पहले ही लगा लेना था आपको ये दिक्कत ना हो तो बस हमने ना इसको बेक किया था 25 मिनट के लगभग आई मीन स्टीम किया था 25 मिनट के लगभग और फिर इसको ओपन कर लिया तो चलो अब एलुमिनियम फॉइल को हटा कर देखते हैं कैसा बनाया देखो यार कितना मस्त फूल गया है ना पहले से अगर आप स्टीम कर रहे हो तो एलूमिनियम फॉइल लगाना अगर आप बेक कर रहे हो केक को तो एलुमिनियम फॉइल लगाने की ज़रूरत नहीं है बस अब ना इसको निकाल लो अब क्या करो इस केक को निकालने के बाद अच्छे से ढक देना मैंने ना इसको चाकू से डालकर चेक किया था केक ना एकदम परफेक्ट बन गया था तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अपना नेक्स्ट प्रोसीड्योर है हमारा रबड़ी बनाना तो एक पैन में ना मैंने चार चम्मच जितना पहले मिल्क पाउडर ले लिया है और अब इसमें मैं आधा कप जितना डाल रही हूँ दूध और ना अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक लम्स खत्म नहीं हो जाता तो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ आप चाहो तो पूरे दूध को जला जला भी रबड़ी बना सकते हो बट इंस्टेंट रबड़ी अगर आपको बनाना है तो इस तरह से मिल्क पाउडर से बना सकते हो वैसे पता है कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से अपना प्यार लव सपोर्ट सब देते रहो यार मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है आपके सारे प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़कर और जैसे कि ये वीडियो ना एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ठीक है तो आप लोग भी चाहो ना तो कमेंट कर सकते हो और अपना रिक्वेस्ट मेरे साथ शेयर कर दो यार मैं ना आप लोग के साथ वो सारे रेसिपीज धीरे धीरे करके शेयर कर रही हूँ ऑलरेडी काफ़ी सारे रेसिपीज पेंडिंग में चल रहे हैं लेकिन कोई नहीं है मैं सबको धीरे धीरे करके बनाती रहूँगी वीडियो को आप लोग बस कमेंट करते रहना और इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखना अभी देखो दूध ना मेरा अच्छे से एकदम उबल गया है और इसके बाद ना हमने इसमें डाल दिया है तीन चम्मच चीनी और दूध को ना हमें काफ़ी गाढ़ा करना है लाइक इसको हमें आधा क्वांटिटी लेकर आना है और जो साइड साइड में मलाई जम रहा है ना उसको स्क्रेप कर करके मिक्स करते रहना वैसे चीनी की क्वांटिटी ना कम ज़्यादा कर सकते हो हमारे घम घर में सॉरी गम मीठा पसंद करते हैं तो कम चीनी डाला है मैंने थोड़ा सा केसर के धागे इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अब आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डाल सकते हो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा इलायची कूट कर भी डाला था और फिर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किया ठीक है और ना रबड़ी जो है उसको थोड़ा सा थिक रखेंगे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हम लोगों को क्योंकि हम लोगों को ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में चाहिए जिससे कि केक रबड़ी को अब्ज़ॉर्ब कर भी सके और ना आपको इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है जस्ट जब दूध अपने आधे क्वान्टिटी में आ जाएगा बस उतना ही और जब इस तरह के बबल्स दिखने लगेंगे देखो हल्का सा ना येलोइश हो गया है कलर और ना बबल्स का जो साइज़ है वो बढ़ गया है और कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी बस गैस चलिन को बंद करो उसको साइड रखो अभी देखो केक के पास चलते हैं जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए ना तो हम लोग इसको डीमोल्ड करना स्टार्ट करेंगे पता है क्या अगर आप गर्म केक में ये सब चीज़ करोगे ना तो केक टूट जाएगा डीमोल्ड करते हुए इसलिए ठंडा हो जाने देना अच्छे से बटर पेपर को निकाल लेना और देखो यार केक का स्पॉन्ज देखना कितना मस्त बना है लाइक एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज ही है हर जगह आपको कैरेट दिख रहा है देखो और कितना मस्त है अगर आपको मेरी तरह गाजर खाना बहुत पसंद है ना ठंड के दिनों में तो इस तरह का रेसिपीज ट्राई करो यार हेल्दी होगा टेस्टी भी होगा अभी देखो इसको क्या करना है जो हमने पहले वाला मोल्ड लिया है ना उसमें ही केक को इस तरह से रख देंगे उल्टे साइड कर कर अगर आप उल्टे साइड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से सब चीज़ों को ऑब्जॉर्व करेगा सबसे पहले ना इसको तो हम लोग दूध से सोक करेंगे एकदम अच्छे से ताकि अंदर से ये पूरा मॉइस्ट हो जाए और उसके बाद हम लोग अपना रबड़ी भी इसमें पोर करेंगे पहले थोड़ा सा रबड़ी पोर करना एकदम थोड़ा सा दो से तीन चम्मच जितना उसके बाद अच्छे से इसको स्प्रेड करना इसको ऑब्जॉर्ब कर ले तो ऊपर से और थोड़ा सा रबड़ी पोर कर देना अभी भी ना मैंने थोड़ा सा रबड़ी बचा कर रखा है सर्विंग के लिए तो वो भी आपको करना होगा ठीक है ना अभी ऊपर से आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसको सजा दो और फिर थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है मैंने देखने में इसका लुक बहुत ही मस्त आएगा देख लो यार कितना सही लग रहा है ना बस अब क्या करना है हमको इसको कट करना है बन गया यार अब और मेहनत नहीं किया जाएगा हम लोगों से स्क्वायर्स में इस तरह से कट कर लो और इसको निकाल लो यार देखो अंदर से इसका टेक्सचर देखना हाँ कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट दिख रहा है यार अभी ना हम लोगों को, को इसको सर्व करना है सर्व ना इसको बहुत ही अच्छे तरह से करेंगे जैसे कि अगर आप किसी गेस्ट को इसको सर्व करो ना तो बहुत देखने में अच्छा लगे तो इस तरह से सबसे पहले ही अपने केक को निकाल लेना जो कि बहुत सॉफ़्ट है मॉइस्ट है इसके बाद हमने जो थोड़ा सा रबड़ी बचा के रखा है उससे इसको इस तरह से सर्व कर दो ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और केसर से और भी सर्व कर देना ताकि देखने में रिच लुक आए पूरा अभी देख लो क्या मस्त लग आज हम लोग बनाएंगे इंडियन स्टाइल चीज के ये नाम सुनने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना बट पता है क्या ये हमारा एक इंडियन डेजर्ट है जो कि खाने में बहुत अच्छा और इसका नाम है भापा दोई पता है क्या जब आप इसको खाओगे ना तो पूरा मुंह में ना ग्लाइड ऑन हो जाता है पूरा माउथ मेल्टिंग टेक्सचर का है और ना लाइक ये ना किसी भी केक को भी टक्कर दे सकता है इतना मस्त बनता है तो चलो इसको बनाते हैं बट हाँ अगर वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार आप लोग कोई रेसिपी भी सजेस्ट करो क्या बनाओ नेक्स्ट रेसिपी ये सब बताया करो ना ठीक है चलो अभी ज्यादा बातें नहीं करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल इसके ऊपर हम लोग रख देंगे छन्नी और इसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रख देंगे वाइट कलर का कपड़ा प्रेफरेबल है यूज़ करना इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे तीन कप दही दही ना बिल्कुल भी खट्टी और मलाईदार नहीं होनी चाहिए तो फ्रेश दही का इस्तेमाल करना ठीक है और इसके बाद ना इसे हमें इस तरह से कपड़े को लपेट देना है और इसको इसी तरह से छोड़ देना है लगभग दो से तीन घंटे तक दही का जो भी एक्सेस पानी होगा ना वो खुद ही निकल जाएगा या फिर कोई भारी चीज़ आप इसके ऊपर रख सकते हो जिससे कि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा नीचे बोल में तो मैंने इसको एक घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था जो एक्सेस पानी है वो ड्रेन आउट हो गया है और जो भी थोड़ा बचा बुचक पानी है ना उसको इस तरह से निचोड़ लेते हैं और उसको भी हम लोग निकाल देते हैं अब ये जो बचा हुआ दही का पानी है ना ये इस्तेमाल हो सकता है कड़ी बनाने के लिए या फिर सब्जी के ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हो हमारे घर में तो मम्मी ने इसको भटूरे का डो बनाने के लिए यूज़ किया था अभी हमारा हंग कट बिल्कुल रेडी है इसको साइड में रखेंगे और इसके बाद ना हम लोग ने ले लिया यहाँ पे हल्का गर्म दूध और इस दूध में हम लोग ऐड करने वाले हैं 10 से 15 केसर के धागे और इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइड रख देंगे केसर अपना कलर और फ्लेवर दोनों रिलीज़ कर देगा साइड में रखते अभी इसको नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा कैरमल बनाना हाँ आज हम लोग भप्पोई को एक कैरमल का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने वाला है तो वन फोर्थ कप मैंने यहाँ पर चीनी लिया है और इसके बाद पैन में ना अच्छे से फैला देंगे इसको इसके बाद अपने फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और अब इसको धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे जब ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बार इसको मिक्स कर देते हैं और अब हमें क्या करना है कि बस जब तक चीनी इवनली मेल्ट नहीं हो जाता तब तक लो फ्लेम पर कुक करना है और जब ऐसे चीनी पूरा मेल्ट हो जाए और ये ब्राउन कलर का दिखने लगे तो अब हमें क्या करना है ना हमें इसमें डालना है दो चम्मच जितना पानी ठीक है और ये देखो दो चम्मच जितना मैंने पानी डाला थोड़ा सा ना ये जम जाएगा पानी डालते ही बट आप लो फ्लेम पर इसी तरह से थोड़ा सा मिक्स करते रहना ये ना खुद ही धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा ऑल्सो अगर आप कैरमल को बहुत ज़्यादा कुक कर दोगे तो कड़वा लगने लगता है टेस्ट में तो इसीलिए आप लो फ्लेम पर जब ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाए तो बस अब गैस फ्लेम को बंद कर देना और कैरमल सिरप को बाहर निकाल के रख लेना अभी ना कैरमल को अच्छे से ठंडा होने दो और हम लोग आ जाते हैं अपने हंग के पास इसके ऊपर ना एक छन्नी रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ वन फोर्थ कप शुगर पाउडर शुगर का ना पाउडर बहुत अच्छे से फाइन बनाना ठीक है और इसलिए ना मैं इसको एक बार छान भी ले रही हूँ ताकि अगर कोई चीनी के दाने वगैरह हो ना तो वो निकल जाए बिकॉज जब हम लोग दोई को टेस्ट करेंगे ना तो वो पूरा स्मूदली मुंह में ग्लाइड ऑन हो जाना चाहिए स्मूदली लाइक स्मूद होना चाहिए पूरा माउथ मेल्टिंग टेक्स्चर होना चाहिए और अगर चीनी अच्छे से पिसा नहीं होगा तो वो स्मूथ टेक्स्चर नहीं आएगा इसलिए अब चीनी को डालने के बाद हमकट के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स 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 करना शुरू करना और ना ये इस तरह का बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा टेक्स्चर हो जाएगा जैसे कि आप पर देख सकते हो अभी ना जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम लोग इसमें डाल देंगे चार चम्मच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर को डालना ना बिल्कुल ऑप्शनल है बट अगर आपके पास है तो जरूर से ऐड कर देना बहुत मस्त वाला आपको टेस्ट मिलेगा इस ठीक है अब इसको भी अच्छे से मिक्स करना शुरू करना वैसे अगर आप चाहो ना तो चीनी की जगह पर गुड़ का यूज कर सकते हो देखो मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल हाफ कप चीनी का यूज किया है कप कप से मैंने कैरमल बनाया और एज शुगर पाउडर ऐड किया है तो आपको क्या करना है अगर आपको गुड़ यूज़ करना है तो पैन में ना सीधा हाफ कप गुड़ ले लेना और उसमें चार चम्मच पानी डालकर उसको मेल्ट करना ठीक है इसके बाद दही को फेंटना अच्छे से और फिर आप लोग इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना फिर बाकी का जैसे प्रोसीड बता रही हूँ वो करना ठीक है तो यहाँ पर इसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा इलायची पाउडर अपना केसर वाला दूध भी इसमें ऐड करके सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्सअप कर लिया है ठीक है अभी जब सब चीज़ मिक्स हो गई है ना तो फिर अब हमें क्या करना है देख लो टेक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए इस बात का ध्यान रखना मिक्स हो गया है हमारा सब कुछ और ना अच्छे से जब तक स्मूथ नहीं हो जाता तब तक मिक्स करना है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने जो कैरमल सिरप बनाकर रखा हुआ है ना वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से देख लो कैरमल सिरप ना जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो ऐड करना गर्म गर्म कैरमल सिरप दही में ऐड मत करना ठीक है ना तो जब रूम टेम्परेचर पे आए तो ही इसको डालना अब इसको मिक्स करना शुरू करना यार मैं क्या बताऊँ कैरमल का जो टेस्ट आता है ना इसमें बहुत मस्त लगता है तो आप ना इस रेसिपी के ऊपर ट्राई करके देखना यू विल बी अ फैन लाइक मी अभी ना मैंने पाँच इंच का एक पतीला ले लिया है जिसमें आज हम अपने दोई को स्टीम करने वाले हैं तो यहाँ पर ना इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे नीचे में बटर पेपर लगाएंगे साथ ही में ना हम लोग साइड्स में भी बटर पेपर लगाएंगे क्योंकि हम लोग आज एल्यूमिनियम का टिन यूज़ कर रहे हैं ना तो खट्टे चीज़ों के साथ ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम और दही क्योंकि खट्टा होता है तो रिएक्शन भी होगा इसीलिए ना यहाँ पर साइड में हम लोग बटर पेपर लगाएंगे ठीक है हमारे यहाँ पर टिन बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग बेक करने वाले हैं आज हम लोग बेक नहीं स्टीम करेंगे तो एक पतीले में नीचे में कटोरी ले लेना इसके बाद इसमें डाल देना थोड़ा सा पानी साइड्स में कटोरी के ऊपर भी डाल देना थोड़ा सा पानी और फिर इसको हम लोग चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और अपने गैस फ्लेम को हाई कर देंगे और जब तक हमारा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक मतलब पानी को गर्म होने देते हैं अल्टीमेटली ठीक है ना ढक कर छोड़ देते हैं पानी गर्म होगा तब तक हम अपने बैटर को अपने प्रिपेयर के हुए टिन में ऐड करेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी ना थिक सी होगी और ना इसको अच्छे से हम लोग लेवल अप कर लेंगे ठीक है और थोड़ा तो सा टैप भी कर लेंगे ताकि ये और भी अच्छे से लेवल हो जाए और इसके बाद जब हमारा पतीला एकदम अच्छे से सॉरी मतलब पानी जब एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसको इसमें ऐड कर देंगे मतलब ऊपर से रख देंगे सावधानी से रखना यार, मैं जल जाती हूँ बहुत बार तो इसीलिए कह रही हूँ सावधानी से रखना इसको ढक देना मैं खुशी खुशी आई तो थी इस पार्ट को करने के लिए बट फिर से मैं एक स्टेप भूल गई जो कि था एल्यूमिनियम फॉइल लगाना मतलब फिर से इसलिए कह रही हूँ कि मैं और एक वीडियो में भी एलूमिनियम फॉइल लगाना भूल गई थी जहाँ पर मैंने कैरेट रबड़ी केक बनाया था और उसमें भी ये सेम यही चीज़ हुआ था जो भी है मैंने एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया ढक दिया बेक होने में इसको लग जाएगा लगभग 20 मिनट मतलब स्टीम होने में लग जाएगा लगभग 20 मिनट तो 20 मिनट के बाद इसको ओपन कर लेना और एल्यूमिनियम फॉइल को हटा देना और इसके बाद मैंने देखा कि हाँ हमारा दोई बिल्कुल बन चुका है मतलब 20 मिनट में बन ही जाएगा 20 से 25 मिनट का वर्क लगता है साइड से देखो हल्का सा डार्क कलर हो जाएगा एकदम तो लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा बस इसको बाहर निकाल देना गैस फ्लेम को बंद कर देना अब ना इसको फ्रिज में रखना लगभग दो से तीन घंटे के लिए गर्मी है तो पाँच से छः घंटे रखो यार बहुत अच्छे से इसको अच्छे से, से, से सेट करना है हमारा काम और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए सेट हो जाए जब अच्छे से तो देखो ये खुद ही साइड्स को छोड़ देगा देखा एक ऐसे साइड को बटर पेपर को छोड़ चुका है ये बस अपना धीरे धीरे आराम आराम से बटर पेपर निकाल लेना क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइक जिगल जिगल वाला टेक्स्चर का है बहुत ज़्यादा ना लाइक जेली टाइप के टेक्स्चर का है इसी कह रही हूँ तो ये देखो ये हमारा हो गया है और इसको मैंने हल्का सा लूज कर लिया इसके बाद एक प्ले, प्ले, प्लेट को रख कर सॉरी प्लेट को रख कर टर्न करके थोड़ा सा टैप करेंगे ये निकल जाएगा बहुत ही आसान से देखो हमने हंगकट बनाया था ना मतलब अच्छे से पानी को निकाला था ना दही में से तो ना इसलिए ये साइड से पानी नहीं छोड़ रहा है वरना जब आप दही को दही में से मतलब पानी नहीं निकालोगे ना तो ये पानी छोड़ने लगेगा साइड से और वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में भी पानी पानी जैसा टेक्सचर का लगेगा तो बस हंग कट से बनाना बहुत अच्छा बनेगा बहुत परफेक्ट बनेगा बस हमारा तो एकदम सही बना है ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता को ग्रेट कर कर ऊपर से गार्निश कर रही हूँ थोड़ा सा मैंने केसर से भी इसको गार्निश किया है एंड दैट्स इट ये बनकर बिल्कुल तैयार है कितना ब्यूटीफुल सा दिख रहा है ना टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है हाँ मैं आज एक चीज़ वीडियो में बताना भूल गई थी जो कि है ये आपकी प्यारी प्यारी से कमेंट्स थैंक यू फॉर कमेंटिंग और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहना वैसे चलो हम लोग इसको कट कर लेते हैं अब एंड नाउ जस्ट लुक एट द टेक्स्चर अंदर से ये कितना गजब का बना है देख लो यार एकदम मस्त एकदम सॉफ्ट एंड टेक्स्चर है जब मुंह में खाओगे ना तो स्मूथ ग्लाइड ऑन हो जाएगा बहुत मस्त लगेगा आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करना हेल्दी रेसिपी है तो ट्राई करना बिल्कुल बनता है और बहुत ही टेस्टी है पता है इसका टेस्ट ना बहुत ही क्रीमी सा है बहुत अच्छा है वैसे वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना यार और हाँ अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके जाओ कोई रेसिपी चाहते हो मैं बनाऊँ तो वो भी कमेंट करना मैं बहुत खुश हूँ इसको खाकर मुझे बहुत पसंद आया चलो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ बाय बाय